नमस्कार, हरियाणा एडलाइन आप पहुंचा टिकरी बॉर्डर पे, जहाँ पे तमाम किसान आए हुए हैं और सभी संस्थाएं भी इसमें मिलजुल कर भाग ले रही हैं और सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं। कोई खाने पीने की चीज़ें लेके आ रहा है, कोई लकड़ लेके आ रहा है, क्योंकि सर्दी का मौसम आया हुआ है, इसमें ठंड भी काफ़ी है और इसमें कुछ लोग अपनी अपनी भागीदारी दर्ज जरूर करा रहे हैं, लेकिन इनसे जरूर जाने के भी ये कहाँ से आए और इनका आने का क्या उद्देश्य। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सारे वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। असी पिंड नगले तो आए जी, तो जिला बठिंडा तहसील तलवंडी साबू, तो लकड़ा की सेवा करना है। तो यह तिने जिहड़े आर्डिनेंस है इन्हों का असं विरोध करते हैं, तो रद्द करवा के जावांगे। आप पंजाब से आए हो और पंजाब से आप कब आए और आपका आने का क्या उद्देश्य है? हम 26 तारीख के आए हुए हैं, जहाँ पर हमारा देश जो है जो काले कानून ऑर्डिनेंस आए हुए हैं उसको जब तक रद्द नहीं करते हम जहां से नहीं आएंगे। आपने देख ही लिया होगा कि जहां पर सर्दी में लकड़ की ज़रूरत होती है, लकड़ों की भी ट्रॉलियाँ भरकर गांव-गांव से आ रही है, सारे गांव में लामबंदी हो रही है। इसके बाद जथे लगातार 26 तारीख के बाद जथे चलेंगे, वहाँ से लाखों की तादाद पर दिल्ली में आएंगे। ये जो जो डिक्टेटरशिप सरकार है उसको बताकर जाएंगे, उसको अंबानी और अडानियों को देश को नहीं बेचने देंगे। आप जो इतनी दूर से आए हो और सर्दी का मौसम भी है और घर परिवार में जो इंसान रहता है उसको भी ठंड लगती है, लेकिन ये बाहर आप खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हो, आप कैसे सहन कर रहे हो ये चीज़ें? हम उसको उनके बाहर से हैं जिसको जो महीना जो चल रहा है, हमारे साहबजादे शहीद हुए और हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने शीश कटाया था इस देश की खातर, उस कौम के हीरे हैं हम। हम जो भी चुनौती आएगी, सर्दी आएगी, बारिश आएगी, तूफान आएगी, हम परवाह नहीं करेंगे। और जो हमारा हरियाणा छोटा वीर है वो हमारे साथ कांधे से कांधा लगाकर हमारे साथ चल रहा है, अब हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हम मोदी को हरा कर जाएंगे, उसको गोड़नी पर कर कर जाएंगे जहाँ से। आप कह रहे हो कि हरियाणा के जो वीर है, मतलब जो हरियाणा छोटा भाई है, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना कि भाई ये तो पंजाब के किसान आए हुए, कांग्रेसी समर्थक आए हुए, इसमें हरियाणा का कोई किसान नहीं आया हुआ। हम उसको बताना चाहते हैं, जेकर किसी को शक है तो पंजाब को जब हरियाणा को निकलते हो तब आपको तमाम गाँव के लंगर लगे हैं हरियाणा के, वो जब हम करते जहाँ पर भी करते हैं वहाँ पर कहीं पूरियों का लंगर चल रहा है, कहीं रोटियों का लंगर चल रहा है, कहीं शाश हरियाणा में शाश कहते हैं लस्सी मिलती है। और जिसको कोई शक है ना, वो टिकरी बॉर्डर पर आकर देख रहे हैं हरियाणा गांव के लोग कितने आए हुए हैं, कितनी खाप पंचायतें आई हुई हैं। वो हमारे जब सुबह उठते हैं ना जहाँ ट्रॉलियों में, वो दूध लेकर आते हैं हमारे लिए, वो सब्जी लेकर आते हैं हमारे लिए, वो कंबल लेकर आते हैं हमारे लिए। हम कैसे कहें हरियाणा हमारे साथ नहीं, हरियाणा हमारे कांधे से कांधा लगाकर हमारे साथ चल रहा है। जो हरियाणा और जो पंजाब का जो भाईचारा भी बना है इस आंदोलन में, जो पंजाब के लोग भी इकट्ठे हैं और हरियाणा के लोग भी इकट्ठे हैं, उसको आप किस नज़रिए से देखते हो? हम मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों जो 1960 से हमारे से बिछड़ गए थे, अब हम बिल्कुल इकट्ठे हो चुके हैं, क्योंकि जो संस्कृति है ना, जो खेती की है, वो हमारी एक ही थी। तो इसलिए हम मोदी का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारे पंजाब और हरियाणा को भाई इकट्ठे कर दिए आपने, तो आपको शिक्षा भी देकर जाएंगे। मैं तो आपको कहता हूं कि जो आपकी ज़मीर है ना, वो ज़मीर आपने अंबानी और अडानियों को बेच दिया है। हम जिंदा ज़मीर वाले हैं, आपको बता कर जाएंगे कि देश का जो प्रधानमंत्री होता है ना, वो देश का माई बाप होता है। वो देश के जाकर कोई अन्नदाता, व्यापारी, मजदूर तीनों वर्ग आपसे दुखी हैं, तो आपसे शर्म से आपसे मर जाना चाहिए आपको। जैसे जो हरियाणा पंजाब का भाईचारा बना है, इसमें कुछ जैसे सरकार के लोग हैं वो एसवाईएल का मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई एसवाईएल का हमें पानी मिलना चाहिए, उसके लिए उपवास भी कर रहे हैं, उनका काफ़ी विरोध भी हो, आपने वीडियो देखी हुई, आप भी सोशल मीडिया यूज़ करते हो, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं तो देखो, जो भाजपा है ना, जो देश में वो राजनीति कर रही है ना, वो एक धर्म की राजनीति करती है, कभी कुछ मुद्दे की राजनीति करती है, वो देश को एक नहीं होने देते, वो देश को भड़काना चाहते हैं। एसवाईएल का जो मुद्दा है, वो तीन सरकारें एक साथ थी, पंजाब की, हरियाणा की और मोदी की, तब एसवाईएल का मुद्दा क्यों नहीं हल किया? जे हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, वे बिल्कुल घबरा चुके हैं, क्योंकि जब हम आए थे ना 26 तारीख को, तो हमारे हरियाणा वाले भाइयों ने पहले नाके तोड़े और हमारे साथ खड़े हुए, तब से बिल्कुल घबरा चुके हैं। जब हरियाणा और पंजाब, राजस्थान और यूपी का किसान इकट्ठा हो गया ना, तो इनका होएगा क्या? इसको रिजल्ट भी दिख रहा है, जे बिल्कुल आप घोड़नियों के बल पर खड़ा है, कभी भी गिर सकता है। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि हमारे देश का जो साउथ का किसान है, वो भी चल रहा है हमारे साथ, वो टाइम दूर नहीं जब जो देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने की नौबत भी आ सकती है, भाजपा में बगावत उठेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।
जो यहाँ पे लंगर चल रहा, भंडारा चल रहा, धार्मिक भजन भी हो रहे हैं और बड़े शांति प्रिय से हो रहे हैं, और जब से आंदोलन चला तब से ये चीज़ें चल रही हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे, कोई पैसा भी नहीं ले रहा है, तो क्या ये आंदोलन के अंत तक ऐसे शांति प्रिय चलता रहेगा? मैं मोदी और उसके जो उसको सलाह देते हैं उसको बताना चाहता हूँ, आप पंजाब के गाँव में चलें, आप हरियाणा के गाँव में चलें, आपको मालूम पड़ जाएगा कि जहाँ पर फंडिंग कहाँ से आती है। आपको बताना चाहता हूँ, जब किसी भी घर घर में किसान जाते हैं ना, कोई लक्कड़ देता है, कोई आटा देता है, कोई कुछ देता है, हर किसान ना इसको जग समझता है। जे एक धार्मिक आंदोलन भी बन चुका है हमारी जो हरियाणा, और हम धर्म मानते हैं, किसानी को धर्म मानते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारी किसानी को कभी भी कोई आँच ना आए, छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा, व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, वो सभी इस आंदोलन में भाग ले रहा है, और जो जहाँ के लंगर चल रहे हैं वो उनकी मदद से ही संभव है। नेशनल मीडिया के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो नेशनल मीडिया कुछ मुद्दों को उठा रहा है, कुछ को नहीं उठा रहा, कुछ इस तरह की बातें की जा रही है, आप भी सोशल मीडिया यूज़ करते हो, आपको अच्छे से पता, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं हरियाणा और पंजाब का जो हमारा, मैं तो आपको हमारा कहूँगा, जो मीडिया है उसका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो तो कब का बिक चुका है, वो गोदी मीडिया है, वो तो जो गोदी बोलेगा, अंबानी अडानी बुलाएंगे, वो यही बोलेगा। मैं हमारे पंजाब और हरियाणा को जो भी मीडिया है उसके बहुत गौरव महसूस करता हूं कि आपने हमारे संघर्ष के को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की। हम गोदी मीडिया के कभी परवाह नहीं करते, ना ही करेंगे। गोदी मीडिया का आपने हाल देख ही लिया है, जहां पर आते हैं किसी, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, कभी नक्सलाइट कहते हैं, कभी माओवादी कहते हैं, पर उसकी एक नहीं चली, उसको मुँह की खानी पड़ी, मैं तो यही कहूँगा। जो हमारे दर्शक हैं हरियाणा हेडलाइन के, उन दर्शकों को आप क्या कहना चाहोगे, जो हमारे दर्शक आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोगों को देख रहे हैं ग्राउंड लेवल की जो हमारी रिपोर्टिंग? मैं हरियाणा के किसानों वीरों को राम राम कहता हूं, और हमारे पंजाब के किसान हैं उसको सत श्री अकाल बुलाता हूं। मैं गाँव में जो बैठे हैं किसान, मेरे हरियाणा के हों जहाँ पंजाब के हों, उसको यही कहूँगा कि आप आओ हरियाणा, और पंजाब का जो सभ्याचार एक हो रहा है उसको आकर देखो, और देखो कैसे लड़ाई लड़ी जा रही है। बोले सौ निहाल सौ श्री अकाल।